बहुत साल पुरानी बात है, चंपक नगर में रहते थे एक धनी और समृद्ध व्यापारी जिनका नाम था चांद सौदागर। उस नगर के लोग उन्हें चांद बनिक के नाम से ही पहचानते थे। ये चांद बनिक महादेव का एक निष्ठावान भक्त। जय देवादी देव महादेव की जय, जय भोले महेश्वर की जय, जय उसी समय सांप की देवी मनसा और नारद मुनि प्रकट हुए। देवी, यही सही समय है। इस समय चांद बनिक मंदिर के अंदर है। आप जाके उसे अनुरोध कीजिए कि मर्तलोक में आपकी पूजा का प्रचलन करे। सिर्फ अनुरोध नहीं, मुझे चांद बनिक के द्वारा मेरी पूजा करवाना ही पड़ेगा। मैं सांप की देवी मनसा हूँ। इस पृथ्वी लोक में पूजित होने का मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन पिता महादेव के निर्देश, उसका कोई वक्त अगर पहले मेरी पूजा करता है तो मैं पृथ्वी लोक में पूजित हो जाऊंगी। इसीलिए चांद को मेरी पूजा करना ही पड़ेगा। ये बात कहते ही देवी मनसा चांद सौदागर के सामने जाती है। क्या सांप की देवी मनसा? मैं शिव जी की भक्त हूँ, महादेव का पूजा करता हूँ। मैं कोई पाताल में बसने वाली सांप की देवी की पूजा नहीं करूँगा। चले जाइए, मुझे देर हो रहा है। इसके बाद चांद वहाँ से चले जाते हैं और देवी मनसा बहुत क्रोधित होके कहती है, तुम्हारा इतना बड़ा साहस चांद, तुम मेरी पूजा करने से मना कर रहे हो? तुम्हारा सभी घमंड और अहंकार को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ चांद, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, निर्वंश हो जाओगे तुम। तुम्हें मेरी पूजा करना ही पड़ेगा। इसके बाद चांद सौदागर अपनी सप्तडिंगा लिए व्यापार के उद्देश्य से रवाना होते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है। उस तेज बारिश और तूफान के वजह से सारी नाव धन संपत्ति के साथ समुन्दर में डूब जाते हैं। और इधर चांद बनिक के 6 पुत्र सांप के डसने से एक एक करके मर गए। चांद बनिक किसी तरह से बच के घर लौट आते हैं। इतने दिनों बाद आपको घर का याद आया। देखिए हमारा क्या सर्वनाश हो गया है, हमारे 6 पुत्रों को सांप ने काट लिया है। देवी मनसा, मेरे सपने में आके मुझे कहा था कि अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। आप और जीत मत कीजिए, आप मां मनसा की पूजा कीजिए। उस छलनामयी की छल में मैं नहीं आने वाला। मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं उस मनसा की पूजा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। चांद बनिक फिर से अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने व्यापार की वृद्धि करते हैं। इधर चांद बनिक की पत्नी सनका के गोद में उनके बेटे लखिंदर जन्म लेता है। तभी उधर चांद बनिक के दोस्त सोयाबीन के घर में एक बहुत ही प्यारी बेटी बेहुला की जन्म होता है। देखते ही देखते बेहुला और लखिंदर दोनों ही विवाह यज्ञ हो जाते हैं। एक दिन चांद आते हैं और सनका से अपने मित्र की कन्या के साथ लखिंदर के विवाह का प्रस्ताव देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की, जितनी जल्दी हो सके आप उन दोनों का शादी करवा दीजिए। ठीक उसी समय उनके सामने माँ मनसा प्रकट होती है। ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है चांद। तुम्हारे घर में लखिंदर का जन्म लेना, फिर स्वर्ग के नर्तकी उषा का बेहुला के रूप में जन्म लेना, उन दोनों का एक साथ बड़ा होना, इसके बाद उन दोनों का विवाह भी मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है चांद। अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे
तो कल रात को ही तुम्हारे पुत्र लखिंदर को सांप काट लेगा और उसका मृत्यु निश्चित है। अभी भी समय है चांद, मेरी पूजा करने के लिए राजी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तब बहुत धूमधाम से बिहुला और लखिंदर का विवाह संपन्न होता है। चांद सौदागर अपने पुत्र और पुत्रवधु के सुहाग रात के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए एक बहुत ही मजबूत लोहे से बनी घर का आयोजन करते हैं और घर के अंदर बैठ के, आखिरकार हमारी शादी हो ही गया, लेकिन तुमको इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? ऐसे खुशी के समय दुश्चिंता नहीं करते, हमारे साथ देवताओं के आशीर्वाद है। न जाने मुझे क्यों घबराहट सी हो रही है। इस अभिशाप की रात जब तक नहीं ढलते आप सुरक्षित नहीं हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पिताजी हमारे लिए ये लोहे का घर बनाया है, यहाँ हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। चलो सो जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपने बेटे को बचा नहीं पाओगे चांद? वो छेद जो तुमने उनके सांस लेने के लिए छोड़ा था, तुम वो छेद मेरी आंखों से छुपा ना सके। काल नागिन जाओ उस छेद से लोहे की कमरे में जाके लखिंदर की शरीर में सारे जहर उगल दो। तभी काल नागिनी एक छोटी छिद्र में से उस लोहे का घर में घुस जाती है और लखिंदर जब गहरे नींद में था तब वो उसके पैरों पर काट देती है। आ, आ, जल रहा है, आ, जल रहा है, आ। ये क्या हो गया आपको? कोई है क्या? मेरे पति को सांप ने काट लिया, बचाओ बचाओ हमें। हे देवाधिदेव महादेव, ये आपकी कैसी लीला प्रभु? मेरे सारे कोशिश व्यर्थ हो गया, मेरे प्राण से भी प्रिय पुत्र लखिंदर को मुझे अपने हाथों से इस नदी में बहा देना पड़ेगा। हे प्रभु, ये आपके कैसे लीला है प्रभु, कैसे लीला है प्रभु। पिताजी, इस बास के नाव में मैं भी जाना चाहती हूँ। दाजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप देखना कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। मैं अपने पति को जीवित करके ही लौटूंगी, देवी मनसा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, आज्ञा दीजिए। इसके बाद बिहुला अपने मरे हुए पति को लेकर एक नाव में बैठ के नदी में बहने लगी। नदी में बहते समय उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। कभी कड़ी धूप में, कभी तेज तूफान और बारिश में भीगते हुए वो नदी में बहते हुए आगे बढ़ती रही। ये क्या, ये तो भूखे शेर के दहाड़ है। नदी के किनारे उस जंगल से ही ये आवाज आ रहा है। इसके बाद वो देखती है कि एक शेर जंगल से निकलकर धीरे धीरे आगे आ रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही बिहुला देखती है कि नदी में है एक बड़ा सा मगरमच्छ और बहुत सारे जहरीली सांप जो नदी में तैरते हुए उनके तरफ ही आ रहा था। हे देवी मनसा, ये आपकी कैसी लीला? इस मुसीबत से आप हमें रक्षा कीजिए माँ, आप हमें रक्षा कीजिए। मेरे पति को जीवित करने की उपाय बताओ माँ, हमें स्वर्ग तक ले चलिए माँ। देवी मनसा ने बिहुला की सभी प्रार्थनाएं सुनती है। फिर वो बिहुला की सारे खतरों को दूर करके सही रास्ता दिखाकर बिहुला को स्वर्ग तक ले जाती है और उसी रास्ते को अनुसरण करते हुए आखिरकार वो स्वर्ग में पहुँच ही जाती है। इसके बाद देवाधिदेव महादेव को पूरी घटना खोल के बताती है। मैं तुम्हारे इस कठोर तपस्या और तुम्हारे पति के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ।
मैं मनसा को आदेश करता हूँ, वो तुम्हारे पति का प्राण लौटा देगी। हे पिता देवादिदेव महादेव, मेरी एक शर्त है। बेहुला को भी वचन देना पड़ेगा कि पृथ्वी लोक में जाते ही चांद बनिक से मेरी पहली पूजा करवाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ देवी, पृथ्वी लोक लौटते ही मैं अपनी ससुर जी से आपकी पूजा जरूर करवाऊंगी और मेरे ससुर जी के हाथ से ही आपकी पूजा का प्रचलन शुरू होगी। तब माँ मनसा लखिंदर की जीवन लौटा देती है। इसके बाद बेहुला और लखिंदर पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। पिताजी आप और माना मत कीजिए, मैं देवी मनसा से वादा की हूँ कि आप उसकी पूजा जरूर करेंगे, आप और जिद मत कीजिए। ठीक है, लेकिन जिस हाथ से मैं शिव जी की पूजा करता हूँ उसी हाथ से मैं किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करूँगा। मैं मेरे बाएं हाथ से उस मनसा की पूजा करूँगा। तब चांद सौदागर अपने बाएं हाथ से देवी मनसा की पूजा करते हैं और इसके बाद से ही पृथ्वी लोक में भी देवी मनसा की पूजा का प्रचलन शुरू होता है। साथ ही साथ देवी मनसा भी चांद सौदागर को उसके मरे हुए 6 पुत्र और सारे धन संपत्ति यानी सप्तडिंगा फिर से लौटा देते हैं।